हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? तो अपन डिजाइन ऑफ आरसीसी कॉलम पढ़ रहे हैं और शायद दो तीन लेक्चर्स आपके इसमें हो गए हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिजाइन ऑफ आरसीसी कॉलम है उसमें देखा था कि लैटरल टाइज कॉलम क्या होता है, हेलिकल टाइज कॉलम क्या होता है, कितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी उनकी होती है, क्या फॉर्मूले होते हैं, उन सब के ऊपर अपन डिस्कस कर चुके थे। अब बात करते हैं कि जब आप कॉलम डिजाइन कर रहे हैं तो कॉलम डिजाइन करते समय आपका जो पिच है, जो रिंग जो हैं उनके बीच में मैक्सिमम पिच कितना होगा, जो टाई जो है, जो रिंग बनाया है उसका डाया आपका कितना होगा। तो पहले ये कहता है कि फॉर लैटरल टाइज कॉलम में मैं देखना चाहूं कि आपका पिच कितना होगा, या इसके अंदर जो टाई लगी है, जो रिंग लगी है, जो मैंने रिंग बना बना के लगाई है, जो रिंग देखा होगा कॉलम के सरियों को बांधने के लिए, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से ये बैंड होती है आपका, ऐसे जाके 45 डिग्री के ऊपर ये यहाँ से बैंड होती है आपका, ये ऐसे जाके 45 डिग्री पर ये बैंड के इधर। कई बार आप प्रैक्टिकली देखते हो 45 डिग्री के अलावा कोई वो बस वैसे ही मोड़ देते हैं, बाकी ये एग्जैक्ट जो है 45 डिग्री पर बैंड होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर भूकंप कभी आया तो सबसे पहले शियर में जो है आपकी रिंग्स ही खुलती हैं, और ये अगर 45 पर नहीं होंगी तो ये एकदम से खुल जाती है। तो अपन देखना चाहें कि ये आपका 45 डिग्री के एंगल पर बैंड होनी चाहिए, मतलब अच्छी रिंग वो होंगी जो 45 डिग्री के एंगल पर बिल्कुल आपका बैंड होंगी, या ये कहूँ कि ये 135 डिग्री होगा, या ये कहो कि ये 135 डिग्री आपका एंगल पर बैंड होगी। तो ये कहता है कि लैटरल टाइज कॉलम में मैं देखना चाहूं, ये कहता है कि मिनिमम डाया ऑफ लैटरल टाइज कॉलम, मिनिमम डाया ऑफ लैटरल टाइज या मिनिमम डाया ऑफ टाइज, क्योंकि लैटरल टाइज तो बात कर ही रहे हैं कि जो टाई जो हैं, जो रिंग है, उनका मिनिमम डाया कितना लेकर चलेंगे। तो इसको फाई टी से डिनोट कर देते हैं। फाई मतलब कोई भी डाया को रिप्रेजेंट करता है और टी जो है टाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कहता है कि फाई टी नॉट जो है लेस देन इक्वल टू फाई एल बाई फोर। देखो ये अगर मैं ऐसे कहता कि ये, इसका मतलब होता है नॉट लेस देन, कि भाई फाई टी इससे छोटा होना चाहिए, मैंने ये बना दिया तो इसका मतलब होता है नॉट लेस देन, कि जो फाई टी है, डाया ऑफ जो टाई है वो फाई एल बाई फोर से छोटा नहीं होना चाहिए। या ये मैं ये कह सकता हूँ, ऐसे भी मैं इसको बोल सकता था कि फाई टी की जो वैल्यू है वो आपका फाई एल बाई फोर से बड़ा होना चाहिए, भाई फाई टी ग्रेटर देन टू फाई एल बाई फोर, या मैं कहूँ कि फाई टी नॉट लेस देन टू फाई एल बाई फोर, और फाई टी नॉट लेस देन इक्वल टू 6 mm। यह जो मिनिमम टाइज है वो इससे भी छोटा नहीं होना चाहिए और इससे भी छोटा नहीं होना चाहिए। यह आपको मैं पहले बता चुका, जब मैं मिनिमम की बात करता हूँ तो हमेशा अगर दो तीन चार चीज़ों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो आंसर आएगा विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर एज ग्रेटर, कि इन दोनों में से जो भी व्यू आपकी बड़ी होगी। यहाँ पर फाइपी दे वाली बात है, वेयर आई एल बराबर लार्जेस्ट डाया ऑफ बार, कि बड़ा डाया, लार्जेस्ट डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार, लार्जेस्ट डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार, मतलब कहना चाह रहा है कि मान लो ये कोई कॉलम है, कॉलम में सभी सरिये मान लो 100 लग रहे हैं, लगे हुए आपके 100 mm के लग रहे हैं, तो फिर 16 आ जाएगा, 16/4 आपका आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि किसी कॉलम में 16 के भी सरिये लगे हैं, 20 के भी लगे हैं और 25 के भी लगे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि लार्जेस्ट डाया ऑफ बार लेना मुझे, जो सबसे बड़ा डाया है, तो मैं क्या करूँगा 25/4 आपका हो जाएगा। तो यहाँ लार्जेस्ट डाया ऑफ बार आपका हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा कि मान लो 16, 20, 25 के लग रहे हैं, अब क्या होता है कि यहाँ मान लो अब आपसे कह दे कि एक कॉलम है जिसमें
ये 16 लग रहे हैं, मान लो कॉलम का ये प्लान बढ़ा दे, ये सरिये दे दे, इसमें इसमें आपसे लिख दे कि भाई ये कॉलम है, इसमें दो सरिये 16 फाई के, दो 20 फाई के और दो 25 फाई के, छह सरिये लग रहे हैं, बताओ मिनिमम डायोप्टाइज आपका कितना आएगा। तो आप क्या करते, फाई एल, आपने तो कहा लार्जेस्ट डाया लेना है, सबसे बड़ा लेना है, 25/4, 25/4 कितना हो जाएगा, 6.25। तो मैं देखूंगा कि 6.25 से भी छोटी नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 6, ना ही 6 से छोटी होनी चाहिए, तो मैं देखूंगा कि 6.25 से भी छोटा नहीं हो और 6 से, तो अब आपका विच एवर इज ग्रेटर आंसर आएगा, विच एवर इज ग्रेटर। अब मैंने वैसे देखा 6.25 है दोनों में से बड़ा, लेकिन आप कहो कि आंसर इसका 6.25 है, तो क्या मार्केट में आपको 6.25 का सरिया मिलता है क्या? नहीं मिलता। वो कहता है 6.25 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 6.25 का लोगे। अगर आप मार्केट में सरिया 6.25 का मिलता है तो आप लगा दो, लेकिन मार्केट में तो मिलेगा 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, 16 का, 20 का, 25 का, 28, 32, इस तरह से मिलता है। अब मान लो आपका आंसर 6.25 आ रहा है, तो अब आप देखोगे 6.25 तो 6 और 8 के बीच में पड़ता है, तो अब अगर आपने 6 ले लिया तो आप देखोगे यार 6 पॉइंट, वो तो कह रहा 6.25 से कम नहीं होना चाहिए, तो आप क्या लोगे, 8 लोगे। कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी मैं अगर मिनिमम डाया की कोई चीज़ की बात कर रहा हूँ और डाया इस तरह से आ जाए आपके पॉइंटों में, तो जो हायर साइड का डाया है, जो मार्केट में आपको अवेलेबल है, वो आपको लगाना था। बाय द वे ये मैक्सिमम होता कि मैक्सिमम डाया ऑफ टाइज बार, और यही चीज़ होता तो कहता 6.25 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 6 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6.25 6 और 8 के बीच में पड़ता है, तो फिर वो कहता है 6.25 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो अगर आप 8 लोगे तो 6.25 से बड़ा हो जाएगा, तो आप देखोगे आपका आंसर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। कहने का मतलब मैं आपको यहां यह समझाना चाह रहा हूं कि जब आपका इस तरह से आ जाए, मान लो अब मैं तो कहता हूं 9 ही आ जाता, अब 9 का तो मिलता ही नहीं भाई, 9, 8 और 10 के बीच में है। अब आप देखो कि अगर मिनिमम होगा तो आप हायर साइड में जाओगे, अगर मिनिमम चीज पूछी है तो आप 10 लोगे, और अगर मैक्सिमम पूछी होती तो आप 8 लेते, क्योंकि मान लो कहता 9 से, मान लो कहता मिनिमम, तो कहता कि यार 9 से कम नहीं होना चाहिए, 9 से कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आपको कम से कम कितना लेना है, 10, और वो कहता 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फिर कितना लेना था आपको, 8 है मैम आपको लेना था। तो ये आपको चीजें समझ आ गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी अगर मिनिमम पूछ रहा है आपका इस तरह का डाया हो जो मार्केट में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, और तो मिनिमम पूछा है तो आपको हायर साइड वाला लेना है, और अगर मैक्सिमम पूछा है तो आपको लोअर साइड वाला आपको लेकर चलना है। तो ये मिनिमम टाइज ऑफ डाया हो गया लैटरल टाइज कॉलम के लिए। आगे ये कहता है कि मैक्सिमम पिच, मैं लैटरल टाइज कॉलम की बात कर रहा हूँ। दूसरा क्या होता है, देखो कई बार आप बुक पढ़ते हैं, गुप्ता एंड गुप्ता वगैरह आप पढ़ रहे होते हो, तो कई बार ये 6 की जगह 5 दिखता है आपको कि भाई इससे भी बड़ छोटा नहीं होना चाहिए और 5 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप तो सोचते हो यार मैंने तो 6 पढ़ा है। एक्चुअली क्या है कि IS 456/1978 जो पुराना कोड था उसमें 6 की जगह प्रोविजन जो था वो 5 mm लिया गया था। जब आप मेरी बुक पढ़ोगे बेसिक्स ऑफ सिविल, तो आपको जो डिफरेंट है आपके IS 456/1978 के जो डाटाज हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने अलग से पीछे मेंशन करके बिल्कुल अलग से लिखे हैं कि स्टैंडर्ड डाटाज अकॉर्डिंग टू IS 456/1978। तो वहां आप देख सकते थे, कहने का मतलब वहां 5L/4 से कम नहीं ये हो सकता था, और 5 भी आपका, तो आप समझ जाओगे 5 अगर दे रखा है तो वो 456/1978 के अनुसार पूछा होगा आपसे। तो 5T, अब ये कह रहा मैक्सिमम पिच, ये कह रहा पिच ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, तो ये कह रहा मैक्सिमम पिच, पिच को मैं पी से डिनोट करता हूँ, तो ये कह रहा पी लेस देन इक्वल टू लीस्ट लैटरल डायमेंशन, लीस्ट लैटरल डायमेंशन, ये कह रहा जो पिच जो है वो लीस्ट लैटरल डायमेंशन से छोटी होनी चाहिए। लीस्ट मैंने कल समझाई दिया था, लीस्ट लैटरल डायमेंशन जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन होती है उसकी, और लीस्ट जो छोटी होगी, जैसे सर्कुलर के लिए तो लीस्ट लैटरल डायमेंशन डाया होगा, स्क्वायर के लिए उसकी भुजा होगी, रेक्टेंगल के लिए जो बी और डी में से जो छोटा होगा, मान लो मैं 200/400 का कॉलम कह रहा हूं, तो लीस्ट लैटरल डायमेंशन कौन सी होगी, 200 mm आपकी हो जाएगी। पी लेस देन इक्वल टू 16 फाई एल,
ये कह रहा पिच जो है 16 फाई एल से भी कम होनी चाहिए और पी लेस देन इक्वल टू 300 mm. ये कह रहा जो पिच है वो 300 mm से भी कम होनी चाहिए. अब यहाँ फिर देखने वाली बात है कि वेयर फाई एल क्या है. जैसे यहाँ देखा था फाई एल, ये कहता है कि लार्जेस्ट डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ जब मैं फाई एल देखूँगा यहाँ कहता है स्मॉलर डाया ऑफ बार इफ अनइक्वल बार आर यूज. बस इसको यहाँ भी ख़त्म कर सकते थे भाई, स्मॉलर डाया लेना. मतलब अगर मैं कहता कि सारे सरिये 16 के लग रहे हैं या मैं कहता सारे सरिये 20 के लगे हैं तो फाई एल ऑटोमेटिकली 20 आ जाता. और मैं अगर कहता कि 12 के लग रहे हैं, 16 के लग रहे हैं और 20 के लग रहे हैं तो डेफिनेटली देखो स्मॉलर कौन सा आ जाता, 12 आ जाता. तो 16 गुना 12 आपका करना होता और नॉट ग्रेटर देन टू 300 mm की भाई 300 mm से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम जब आपसे पूछता है तो आपको मैंने बता रखा है कि जैसे मिनिमम जब पूछता है तो विच एवरेज लेसर लेते हैं और मैक्सिमम पूछता है सॉरी मिनिमम पूछता है तो विच एवरेज ग्रेटर लेते हैं, मैक्सिमम पूछेगा तो विच एवरेज लेसर. वैसे भी आप देखो मान लो यहाँ 200 आता ये निकल कर और ये मान लो आता आपका मैं कहता हूँ 180, तो ये यही तो कह रहा है भाई कि पी की वैल्यू 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पी की वैल्यू 180 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और पी की वैल्यू 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो आपको कम कितना लेना है, 180 लेना है, क्योंकि अगर आप 200 ले लेते तो देखो 180 से ज़्यादा हो जाता, आप 300 ले लेते तो 200 और 180 दोनों से ज़्यादा हो जाता. तो आप तो 180 लोगे तीनों से, मैं देख लूँगा पी की वैल्यू 200 से ज़्यादा नहीं हुई, पी की वैल्यू 180 से ज़्यादा नहीं हुई, पी की वैल्यू 300 से ज़्यादा नहीं, तो आपने 180 ले लिया, तीनों चीज़ों को वो आपका कर लेगा यहाँ पर. तो इस तरह से मैंने देख लिया कि मैक्सिमम पिच आपका कितना आपका होने वाला है. तो ये क्या खूब पूछता रहता है. जैसे उसने कह दिया कि एक कॉलम है जिसके अंदर 6 सरिये लग रहे हैं, मान लो इसने आपसे कह दिया कि 6 सरिये लगे हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा था, ये कहता है 2 सरिये 16 फाई के लग रहे हैं, 2 सरिये 20 फाई के लग रहे हैं और 2 सरिये 25 फाई के लग रहे हैं. जैसे वो कहता है भाई टाइज डाया तो कितना होना चाहिए, देखो फाई टी लेस देन इक्वल टू नॉट लेस देन इक्वल टू, अब लार्जेस्ट लेना था तो लार्जेस्ट कौन सा 25 बटे 4 नॉट लेस देन इक्वल टू 6 mm. तो यहाँ देख रहे हैं 6.25, तो कहता है 6.25 से भी कम नहीं होना चाहिए और 6 से भी कम नहीं होना चाहिए. तो फिर आपको कम से कम कितना लेना होता, 8 लेना होता, क्योंकि 8 ही ऐसा होगा. अब भाई मैं कह रहा हूँ कि ये मान लो ये सीधा ही मैं 10 आ जाता कि 10, तो 10 तो सीधा मिलता है लेकिन 6.25 तो मिलता ही नहीं मार्केट में. तो अब आपका आंसर तो हिसाब से देखा जाए तो 6.25 आएगा लेकिन 6.25 तो मार्केट में मिलता ही नहीं है. भाई यहाँ विच एवरेज ग्रेटर देख के मैं 6.25 लगा दूँ लेकिन 6.25 का तो है ही नहीं. अब मजबूरी में आपको कितने का लेना पड़ेगा, 8 का लेना पड़ेगा. अब मैं यहां देखूं कि भाई पिच कितना हो, तो पी मान लो ये कॉलम जो है 200x400 का है, तो लीस्ट लेटर डायमेंशन 200 लेस देन इक्वल टू 16 फाई एल, स्मॉलर डाया लेना है 16 गुणा 12 192 और लेस देन इक्वल टू वो 300 है. तो तीनों में से देख लो पिच एवरेज लेसर कौन सा आएगा, 192 हो जाएगा. तो आप कहोगे कि 192 से ये वैल्यू जो है वो आपका ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो अपन देख लिया कि मैक्सिमम पिच जो है वो कॉलम की किस तरह से अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, मैक्सिमम पिच ऑफ कॉलम कितनी अपन लेने वाले हैं. तो लेटरल टाइज कॉलम के लिए मेरी बात हो गई. अब मैं देखता हूँ कि फॉर हेलिकल टाइज कॉलम, अगर मैं देखना चाहूँ हेलिकल टाइज कॉलम फॉर हेलिकल टाइज कॉलम, ये कह रहा है हेलिकल टाइज कॉलम बताएं. देखो अगर आप बात करते हैं कि मिनिमम डाया ऑफ टाइज, कि भाई टाई का मिनिमम डाया बताइए, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम टू सेम यही वैल्यू आपकी रहेगी कि भाई फाई टी जो है वो फाई एल बाई 4 से भी कम नहीं होना चाहिए और 6 mm से भी कम नहीं होना चाहिए, विच एवर इज ग्रेटर ही आपका आंसर आ जाएगा. फाई एल वही लार्जेस्ट डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार आपका हो जाएगा. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम पिच कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पिच आपकी कितनी हो सकती है या कितनी होनी चाहिए, तो ये कहता है कि जो मैक्सिमम पिच है इसने कहा कि पी जो है
लेस देन इक्वल टू 75 mm, मतलब जो पिच की वैल्यू है वो 75 mm से छोटी होनी चाहिए, या ये कहो कि पिच की जो वैल्यू है वो 75 mm से बड़ी नहीं होनी चाहिए। पी जो है लेस देन इक्वल टू 1/6 इंटू कोर डाया, 1/6 इंटू कोर डाया। कोर क्या है, जब मैं कॉलम देख रहा था ये हेलिकल, तो इसमें मान लो कोई सरिये लगे हुए थे, ये जो सरिये लगे हुए हैं तो इनको बांधने के लिए हेलिकल रिइंफोर्समेंट लगाया होगा, तो ये जो है आपका एक तरह से ये वाला जो है, ये जो कहलाती है, ये कहलाती है कोर। एक तरह से टोटल कॉलम डाया में से, कॉलम की जो डायमेंशन है उसमें से इधर का नॉमिनल कवर और इधर का नॉमिनल कवर अपन घटा दे, 2 गुना नॉमिनल कवर घटा दे साइज ऑफ कॉलम में से, तो वो कोर बच जाएगी आपका। तो ये कह रहा है कि पी की जो वैल्यू है 75 mm से कम होनी चाहिए, पी की जो वैल्यू है 1/6 इंटू कोर डाया से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम पूछा है तो कहता है डेफिनेटली मैक्सिमम पूछा है, तो आंसर क्या आएगा, विच एवर इज लेसर, जो भी दोनों में से वैल्यू क्या होगी, छोटी आपकी होगी। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो हेलिकल टाइज कॉलम, इनमें मिनिमम पिच का भी एक प्रावधान दिया है, यहाँ तो नहीं था आपका, ये कहता है मिनिमम पिच आप कितनी रखेंगे, कम से कम मिनिमम पिच अगर बोलता है तो ये कहता है कि पी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 25 mm। ये कह रहा जो पिच जो है वो 75 mm से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स द हेलिकल टाइज। वो कह रहा जो रिंग है, जो हेलिकल टाइज है, उसका 3 गुना से ज़्यादा होनी चाहिए। चूंकि मिनिमम वर्ड पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको मैंने बता ही दिया था, विच एवर एज क्या है, ग्रेटर, जो भी इनमें से बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी। यहाँ पर तो अपन देखा कि जो मैक्सिमम पिच है वो आप कितना लेंगे लेटरल टाइज हेलिकल टाइज कॉलम के लिए, मिनिमम पिच आप कितना लेंगे। तो एक तरह से अगर मैं देखता हूँ, सिंपल मैं बात करूँ तो कि हेलिकल टाइज कॉलम में 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए और 75 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको पूरा पूछा है दो कि मैक्सिमम पिच 75 mm ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1/6 इंटू कोर डाया ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, विच एवर लेसर आ गया, मिनिमम 25 mm ज़्यादा होनी चाहिए, 3 टाइम्स इंटू हेलिकल टाइज ऑफ जो है, जो अपन ने रिंग लगाई है उसका 3 टाइम्स 3 गुना से ज़्यादा होनी चाहिए, विच एवर इज ग्रेटर आपका आ जाएगा। तो अपन देखा कि ये आपका हेलिकल टाइज कॉलम के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हो गई। अब कई बार आपसे एक बात और पूछता है, वैसे तो ज़्यादातर आपसे बहुत कम पूछता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ये क्वेश्चन एक बार एक आध बार और हेलिकल कॉलम के रिगार्डिंग ये पूछता रहता है कि इन हेलिकल टाइज कॉलम ये कहता है वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर का जो रेशो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, या ये कहो नॉट लेस देन, या ये कहो कि बड़ा होता है 0.6 AG अपॉन AK-1 FCK अपॉन FY। कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछता है इन हेलिकल टाइज कॉलम व्हाट इज द रेशो ऑफ, है ना, रेशो ही तो हो गए, व्हाट इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट टू वॉल्यूम ऑफ कोर, या द इन हेलिकल रिइंफोर्समेंट टाइज कॉलम द वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट टू वॉल्यूम ऑफ कोर शुड नॉट बी लेस देन, कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको ये बिल्कुल बोलना चाहिए कि 0.36 AG अपॉन AK-1 अप जो है ब्रैकेट FCK अपॉन FY आपका हो जाएगा, वेयर FCK बराबर ग्रेड ऑफ
कॉन्क्रीट होगा और एफ वाई बराबर ग्रेड ऑफ स्टील आपका होगा या ग्रेड ऑफ स्टील को रिप्रेजेंट करता है। तो अपन ने ये देख लिया कि डिजाइन ऑफ आरसीसी कॉलम्स में हेलिकल रिइंफोर्समेंट के लिए क्या क्राइटेरियाज आपके होने वाले हैं, क्या क्राइटेरियाज आपके लगने वाले हैं। अब आप आगे बात करते हैं, ये कहता है कि जो कॉलम है उनको एक मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करते हैं, उसकी वैल्यू अपन कितनी लेकर चलते हैं। तो कहता है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी फॉर कॉलम, ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि कॉलम के ऊपर हमेशा, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि कॉलम कंप्रेसिव मेंबर है, अगर आपका लोड इसके अक्ष पर लग रहा होगा तो ये कंप्रेसिव लेता रहेगा, जैसे ही अक्ष से हटा तो इसमें इसेंट्रिस, मान लो लोड यहाँ लग गया तो ये इसेंट्रिसिटी आ जाएगी, इसके कारण क्या होगा, ये ज़्यादा दबेगा, ये खींचने लग जाएगा, तो एक तरफ कंप्रेशन बढ़ जाएगा, एक तरफ टेंसाइल डेवलप होने लग जाता, धीरे धीरे इसमें टेंशन बढ़ने लग जाता, तो कॉलम आपका फेल हो सकता है। तो कोशिश तो ये रहती है कि लोड एक्सियल लगना चाहिए, लेकिन अगर बिल्कुल एक्सेल नहीं लग रहा तो ये कहता है कि कॉलम ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि कुछ ना कुछ अगर इसेंट्रिक लोड भी उसके ऊपर लग रहा है तो कॉलम फेल नहीं हो, कॉलम उस लोड को ले ले। तो ये कहता है कि प्रत्येक कॉलम कुछ इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन किया जाता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कहता है कि ई मिनिमम जो है अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस लीस्ट लैटरल डायमेंशन अपॉन 30। एक तरह से ये कह रहा है कि ई मिनिमम जो है अनसपोर्टेड लेंथ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल अपॉन 500 प्लस लीस्ट लैटरल डायमेंशन को आपके कोड में डी से रिप्रेजेंट कर रखा है, डी अपॉन 30। बहुत पूछता रहता है आपसे कि प्रत्येक कॉलम जो है कुछ इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन किया जाता है और उसकी जो वैल्यू होगी वो अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस जो है लीस्ट लैटरल डायमेंशन अपॉन 30 के बराबर होती है। और ये कहो कि ई मिनिमम मतलब इसकी वैल्यू जो है नॉट लेस देन टू 20 mm या ग्रेटर देन टू 20 mm, मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक कॉलम को कम से कम 20 mm के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। मतलब ये जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 20 mm से ज़्यादा आनी चाहिए। मान लो मैं कह रहा हूँ कि 18 mm ही आ गई तो ये कॉलम सही नहीं है, आपको इसको रीडिजाइन करना पड़ेगा, इसकी लेंथ और लीस्ट लैटरल डायमेंशन को इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये कम से कम कितना आ जाए, 20 आ जाए। मैंने कहा ये 22 आ गया, तो मैं देख रहा हूँ ये कह रहा है कि भाई 20 के लिए तो कम करना ही करना है, ये 22 आ रहा है तो आपका सही है, ये 18 रह गया और मुझे चाहिए कम से कम 20, तो या तो एल बदलेगा या डाया बदलेगा, मतलब कम से कम उस कॉलम को 20 mm के लिए डिजाइन किया जाता है तो उसकी इसेंट्रिसिटी कैपेसिटी तो इससे निकाल ली जाती है कि भाई कितना इसेंट्रिक लेगा, अनसपोर्टेड लेंथ प्लस 500 प्लस लीस्ट लैटरल डायमेंशन अपॉन 30, और इसकी जो वैल्यू है वो 20 mm से ज्यादा होनी चाहिए। तो अपन ने देख लिया कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, अब ये कहता है मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी। अब ये कहता है कि प्रत्येक कॉलम को मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन किया जाता है, एक तरह से मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये कहता है ई मैक्स बराबर 0.05 इंटू लीस्ट लैटरल, या कहो कि लैटरल दोनों डायरेक्शन में देखना चाहो तो लैटरल डायमेंशन 0.05 इंटू क्या है लैटरल डायमेंशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करोगे तो 0.05 इंटू लैटरल डायमेंशन, 0.05 इंटू लैटरल डायमेंशन, ये कह रहा है इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो मैं कहता कॉलम का साइज 600 mm है तो 0.05 इंटू 600 कर दो, तो भाई ये कह रहा 30 mm आ रहा है, ये कह रहा 30 mm से ज़्यादा इसेंट्रिसिटी नहीं होनी
चाहिए। तो इस तरह से मैंने देख लिया कि कितना मिनिमम इसेंट्रिसिटी होगा, किससे निकालेंगे, अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस लेटरल डायमेंशन अपॉन 30, इसकी जो वैल्यू है कम से कम 20 mm होनी चाहिए, मतलब प्रत्येक कॉलम को कम से कम 20 mm के लिए डिजाइन किया जाता है। मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी अपन इस तरह से निकाल लेंगे। तो अब कॉलम में केवल इफेक्टिव लेंथ वाला पार्ट बच गया है, कॉलम आपका खत्म हो गया है, बाकी आप बेसिक्स ऑफ सिविल बुक जो आपके हाथ में होगी उससे आप चीज़ों को देखते रहे, अगर कोई चीज़ बच जाती है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से फिर भी पूरा कंप्लीट हो गया है। दूसरा, हमारी जो अभी बुक आई है मल्टीपल जो क्वेश्चन वाली बुक आई है, आप अभी उसको पढ़ते रहें, हम अभी ऐप लेके आ रहे हैं, नया ऐप लॉन्च कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको पूरी बुक सॉल्व कराई जाएगी। तो पहले आप सॉल्व कर ले, ऐसे नहीं कि अब आप हमारा वेट करते रहें, क्योंकि आप पहले सॉल्व कर लोगे और जब आप अगर ऐप पर जो है सॉल्व करोगे, हम जब सॉल्व करा रहे थे उसको जब आप देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको करने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास दोनों बुक्स आपकी होंगी और उनसे आप घर बैठे अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू।